अभी हम रुके हैं माने विलेज के ब्रिज पर। ये कौन सा ब्रिज है अभिषेक भाई, ब्रिज कौन सा? हाँ, माने वुडन ब्रिज। माने वुडन ब्रिज हमें लेके आए हैं हमारे अशोक भाई। अशोक भाई बताइए किधर लेके आए हो हमें? ये भाई बताएंगे ना, भाई ने बताया नहीं आपको? जल्दी बताओ प्रकार है। भाई भाई से पूछो, मेरे को नहीं पता। अच्छा, निकल पहली फुर्सत में निकल। अब बोल गया मेरे को नाम दिया। हम आया माने विलेज के बीच पर। माने ब्रिज एक्चुअली ये बहुत पुराना वुडन ब्रिज है और ये बहुत हिलता है भाई। इस ब्रिज पर एक साथ चार लोग ही जा सकते हैं, ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। चार से ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी ये ब्रिज हिलने लग जाएगा और ब्रिज से गिर जाओगे बेटा। बहुत ही रिस्की। चलो एक बार देख लेते हैं माने ब्रिज। अभिषेक भाई जानबूझ कर गए और जानबूझ के हिला रहे हैं। ये ब्रिज लोगों की फाड़ कर रख दी है उन्होंने। ब्रिज लाओ। अभी हम लोग पहुंचे धनकर मॉनेस्ट्री। फाइनली ये मॉनेस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे अभिषेक भाई। बाबा देखो यहाँ का, दिस इज क्लिफ मॉनेस्ट्री। इधर आ जाओ पहले, गाड़ी आ गया। दिस इज बेसिकली क्लिफ मॉनेस्ट्री एंड ओल्ड सिटी कैपिटल ऑफ स्पीति वैली। पुराने एंशियंट टाइम्स में ये कैपिटल हुआ करता था। राइट नाउ इट इज काजा। तो यहीं से सब कुछ एडमिनिस्ट्रेट होता था एंड द मॉनेस्ट्री इज ऑन क्लिफ्स। एंड सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि ये क्लिफ कभी भी 20 सालों में गिर सकता है। होपफुली ये हमारे लिए नहीं हो इस वक्त के लिए, वरना ये मॉनेस्ट्री कभी भी गिर सकता है। नेशनल ज्योग्राफिक एंड डिस्कवरी का ये प्रिडिक्शन किया हुआ है। सो यू कैन विजिट द मॉनेस्ट्री। 3 पॉइंट्स है यहाँ से, धनकर लेक भी आगे को जाता है, व्यू पॉइंट्स भी जाते हैं एंड यहाँ से बालकनी व्यू काफ़ी अच्छा है। लेट्स चेक इट आउट, बालकनी व्यू क्या है एग्जैक्टली। बर्डर व्यू भी दिख जाएगा पिन वाली का, तो वो भी देख लेते हैं। होपफुली नहीं, हम लोग इतने लकी है कि अब तक कोलैप्स नहीं हुआ है और हमको देखने मिल रहा है। सो वी कैन विजिट एंड हम लोग आपको दिखाई देंगे। एंड होपफुली, जो मैं होपफुली बोल रहा था, होपफुली 10-20 साल के बाद, जब भगवान ना करे बट अगर ये कोलैप्स हो भी जाता है तो मेरा वीडियो तो अलाइव रहेगा। आप मेरे वीडियो को चेक कर सकते हो। इधर तक देखे हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करना ना भूलिएगा, लाइक भी करते जाइएगा। धनकर मॉनेस्ट्री का डिटेल्स है बेसिकली, अगर आप पढ़ना चाहोगे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम कर रहे हैं सांसें फुला देने वाला ट्रैक। ये इधर ही थक गई, चल चलते रहे। हफ्ते हफ्ते पहुंच गए हैं थोड़ा सा टॉप पर। ये टॉप से मॉनेस्ट्री देख लो। उतना टॉप तक तो नहीं जाएंगे बट ये है पिंग वैली। बड़ी खूबसूरत पिंग वैली। ये एक्चुअली बह रहा हुआ है वो ग्लेशियर वाटर है। चलो अब दूसरे पिक पे जाते हैं।
चल रहा है ऊपर, ये वाला ऊपर नहीं नहीं राइट साइड वाला, यस यस वो वाला चलते हैं, वो वाला सीढ़ी वाला है ना, तो थोड़ा रुक रुक के जाएंगे। लेट्स गो, आराम से उतरो भाई लोग, मानो या ना मानो ये जो शूज है मेरे 80,000 के, कोई अच्छा के बहुत काम में आ रहे, बहुत काम आ रहे, बल्कि मानसून में इतने काम में नहीं आएंगे, बट यहाँ ही यहाँ पर पैसा वैसे लगे मेरा आई कोर्ट से कि उन्होंने अपना काम कर दिया है, मेरा स्पीति सफर कर दिया है। लेट्स सी, चलो अब वो पीक के लिए हम लोग क्लाइम कर रहे हैं, दैट्स अ पीक, वहाँ पर जाएंगे, वहाँ से व्यू एंजॉय कराएंगे, पिन वैली भी देखेंगे और फिर बैक टू पवेलियन। थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड फीट पे ट्रैकिंग करने के बाद मेंटल हेल्थ का ठीक है, पीस आउट मिल हो गया, पीस मिल गया, बट फिजिकल हेल्थ में बदलाव लाना ज़रूरी है, ये पता चल चुका है, ये पता चल चुका है बहुत ही बुरी तरीके से, तो वो तो हो ही जाएगा, बदलाव तो चालू है, आपको पता है मैं कितना फिटनेस वीक हूँ। और इसके अलावा अशोक भाई मूंछों को ताव देते हुए बहुत ही सुंदर दिखते हैं। अब तो आवाज निकल रहा है इनका, इसके पहले बोला तो आया आया कर रहे थे, तेरा घर और बाहर चले जाएगा बोल रहे थे, अब आवाज निकल रही, यो हनी सिंह बन रहा है अब। तो बेसिकली अभी हम बैठे हैं धनकर कैफे में, धनकर कैफे में एक बेसिकली छोटी सी चीज है बता देता हूँ आपको, ग्लास कहीं को चाहिए दो ना, ऐसा मारो पियो, ये जो है सी शेल्स है, जब हजारों सालों पहले ये स्पीति वैली पूरा पानी के ओशन के नीचे था, और ये बेसिकली फॉसिल्स है, फॉसिल समझ में आता है आपको क्या है, तो ये अभी भी मिलते हैं क्या यहाँ पर? मिलते हैं लांगजा में, लांगजा में मिलते हैं, वहाँ पर अपन जाने वाले, बिल्कुल ही जाने वाले, तो वो उसके लिए बने रहे, वो भी आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अभी नेक्स्ट स्टॉप क्या रहेगा अपना? नेक्स्ट स्टॉप लिंगती वाटरफॉल, लिंगती वाटरफॉल, वाटरफॉल नहाने मिलेगा, सब मिलेगा, नहाओ आपको पता ही है मैं वाटरफॉल का कितना बड़ा फैन हूँ, मुंबई में मेरे सारे वाटरफॉल के ही ब्लॉग है, और यही यहाँ पर भी वाटरफॉल मतलब सोने पे सुहाग, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बाकी माने विलेज जा रहे नहीं जा रहे? क्यों? टाइम नहीं है अभी, माने विलेज नहीं जा रहे, माने विलेज एक्चुअली एक अच्छा एक्सपीरियंस था यार, टाइम नहीं है अभी, चलो टाइम के कमती की वजह से हम दूसरा प्लान में चेंज आ प्लान में बदलाव ला चुका, देखते कैसे करते हैं। क्या क्यूट है यार ये, कम कम बेबी, हेलो, क्या क्यूट है यार, सो धनकर मॉनेस्ट्री के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं लिंगती वाटरफॉल पे, ये वाटरफॉल बेसिकली अ मैनमेड वाटरफॉल है, दिखा था वाटरफॉल फॉर श्योर, दिस इज द वाटरफॉल, ऊपर आप देख रहे हो ये जो दिख रहा है वो हाइड्रो प्लांट है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो इसीलिए वो ये वाटरफॉल आपको दिख रहा है, उसे पानी ग्लेशियर्स का पानी कलेक्ट किया जाता है, हाइड्रो पावर में डाल दिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, और ये है पिन वैली ब्रिज, मैन मेड है फिर भी ब्यूटीफुल दिख रहा है, एक नंबर। जैसे अपनी वाटरफॉल की खोज हर जगह पे चालू रहती है, वैसे ही ये वाटरफॉल मुझे मिल गया है मेरे स्पीति में भी, तो मेरा स्पीति तो सक्सेसफुल हो गया, देखते हैं अभी अभिषेक भाई और क्या बताते हैं, उनके पीछे जाकर आता है। बस चुकी है, हम लोग रास्ता भूल गए, बस पहुँच गए।
रास्ता चूक गए थे और गाड़ी आप निकल नहीं रही है, प्रॉब्लम हो गया बहुत बड़ा। दिवेश सीरियस सिचुएशन में हंस क्यों रहा है अभी? भाई सामने देख, दिवेश ऐसे ही है, सामने देख भाई, सामने देख के सुकून आ रहा है यार। ये तो डेली होता है, ये तो नहीं होता ना, वो देख तू चुप रहे उनका सुन रहे क्या है, थोड़ा नेगेटिव चीज नहीं बोला, उसको मजा नहीं आ रहा। अभिषेक भाई रास्ता ढूंढ रहे पीछे कहाँ से गाड़ी काट सकते, कहाँ से अपना बस कट जाएगा, जैसे अगर कट गया तो निकल जाएंगे, वरना इधर निकलते निकलते बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत बढ़िया कामगिरी करते हुए अशोक जी, कर दिखाया, बहुत ही हैवी ड्राइवर हमारे अशोक जी, बहुत ही बढ़िया काटे हैं। झूले झूले बाकी वापस भी आने, ये लोकेशन तो एक नंबर है, अनस्पॉटेड, अनरिवील्ड, लेस क्राउडेड, जो भी बोल दो, लोकेशन बहुत बढ़िया है। ये सब किया धरा है इनका अभिषेक भाई, ऐसे लोकेशन पर लेके आए जहाँ पर किसी ने कभी देखा नहीं होगा। ये लोकेशन है, ये वुडन ब्रिज है, वेरी ओल्ड ब्रिज, ये पिन वाली माउंटेन विद ग्लेशियर्स टॉबलरॉन पूरा घिरा हुआ है, वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, मजा आ गया। सर्दी हो गए भाई, अब तक तो ठंडी नहीं लग रही थी बट जैकेट डालना पड़ रहा है, इतनी ठंडी है भाई। ट्रीट टू आइस। Reach on time to our stay. This is our stay. रोज रात को 10-10 11-11 बाद 11-11 बजे पहुँचने के बाद आज टाइम पर पहुँचने के बाद बहुत सुकून है। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, हाँ, सबसे अमीर और सबसे गरीब रहते साथ पर कितने करीब, करते बात पर कितने हबीब, तहकीकात पर किस अजीब मुजरिम, यहाँ होता शरीफ एनकाउंटर की झूठी साजिश, पन्ने पलट देते कह के बस इतना जो मिलता है जिसको वो उसका नसीब। हाँ हाँ कमरे हैं खाली पर फुटपाथ पे भीड़, सच होता जहाँ पे वो इलाका सील है जिंदगी, यहाँ पे हाँ पिक्चर की रील है, फैक्ट फैक्ट सारे जेब में छुपा के। एंड वी विल कवर हिकम कॉमिक लांगजा विच आर वर्ल्ड्स मोस्ट, मतलब 3 हायर ऑल्टीट्यूड रीजन इन द वर्ल्ड।